मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मसल्स ऑफ दी एब्डोमिनल वॉल। तो आज बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे एब्डोमिन के वॉल में कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एब्डोमिनल वॉल है बॉडी का, वो मेनली 6 पेयर्स ऑफ मसल से बना होता है। फर्स्ट है रेक्टस एब्डोमिनिस, सेकेंड है एक्सटर्नल ऑब्लिक, थर्ड है इंटरनल ऑब्लिक, फोर्थ है ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस, फिफ्थ है क्वाड्रेटस लुम्बोरम और सिक्स्थ है सोआस। ठीक है, तो जो हमारा एंटीरियर वॉल होता है, सामने का वॉल जो होता है, वो आपको बेसिकली लॉन्गिट्यूडली डिवाइडेड होता है एक स्ट्रांग मिड लाइन से, जो कि स्टर्नम से स्टार्ट होता है और सिम्फाइसिस प्यूबिस पे एंड होता है। ठीक, तो ये जो आपको सेपरेशन होता है इसको हम लीनिया एल्बा बोलते हैं। ठीक, ये आपको एब्डोमिनल वॉल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है और इनके दोनों साइड में आपके आइडेंटिकल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। रेक्टस एब्डोमिनिस, ये भी आपके एब्डोमिनल जो वॉल होती है उस वहाँ प्रेजेंट होती है। ये सुपरफिशियल मसल होती है, ये आपको स्ट्रक्चर में ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, और ये ओरिजिनेट होती है आपकी प्यूबिक बोन से और उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाती है जहाँ पे वो एंड अप होती है आपकी स्टर्नम के ज़ाइफोइड प्रोसेस में। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये स्टर्नम है और ये है प्यूबिक बोन। तो ये जो है आपके इस प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट हो रही है और ऊपर की तरफ जाके ये स्टर्नम में एंड अप हो रही है। ठीक, और ये जो होता है एब्डोमिनल मसल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो आपका लीनिया एल्बा है जो कि आपको सेपरेट करती है एब्डोमिनल वॉल के को दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये मसल्स उनके दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो मसल है वो है आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो होती है वो आपके जो रिब्स होते हैं वहाँ उसके लोअर पार्ट से निकलती है और फिर नीचे के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और इलियक क्रेस्ट में जाके वो आपको इंसर्ट हो जाती है। ठीक, लीनियर एल्बा के, तो यहाँ पे आपका जो होता है वो आपका जो होता है इलियक क्रेस्ट होता है। तो देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर से डिनोटेड है ये आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, तो ये आपकी ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ पे देखिए, ये रिब्स है, रिब्स के लोअर पार्ट से ओरिजिनेट होती है और एंड करती है कहाँ पे, इलियक क्रेस्ट में, जो कि आपके जो लीनिया एल्बा जो कि एब्डोमिनल वॉल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है वहाँ पे एंड अप करती है। एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये जो होती है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के अंदर होती है और इसके फाइबर्स जो होते हैं वो आपके अराइज होते हैं इलियक क्रेस्ट से और लुम्बार वर्टिब्रे के स्पाइनस प्रोसेस से। ये फाइबर्स फिर ऊपर की तरफ जाते हैं मिडलाइन में, जहाँ पे वो इंसर्ट हो जाते हैं आपके लोअर रिब्स और लीनिया एल्बा में। ठीक, देखिए, ये आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, इसके अंदर यहाँ पे आपका जो होता है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ आपके इलियक क्रेस्ट से अराइज होते हैं और साथ ही ये जो लंबार वर्टिब्रे है इससे अराइज होते हैं और फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो आपके इस रिब के लोअर पार्ट और इस लीनिया एल्बा में जाके इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक, ये फाइबर्स जो होते हैं, मतलब जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है वो आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के साथ राइट एंगल फॉर्म करता है। नेक्स्ट मसल है आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस जो होता है वो सबसे डीपेस्ट मसल होता है एब्डोमिनल वॉल का। यहाँ पे देखिए, ये जो है जो ब्लू से इंडिकेटेड है ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल है और इसके फाइबर्स भी आपको इलियक क्रेस्ट से अराइज होते हैं और लुम्बार वर्टिब्रे से अराइज होते हैं, फिर वो आपके एब्डोमिनल वॉल्स को पास करते हुए जाके लीनिया एल्बा में इंसर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है वो है रेक्टस एब्डोमिनिस। ठीक, यहाँ पे बाहर की तरफ जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, जो अंदर की तरफ होता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल है, और ये जो ब्लू से डिनोटेड है ये आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है।
ये जो रेक्टस एबिडोमिनिस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एबिडोमिनिस मसल्स होते हैं, ये आपको एक स्ट्रांग मस्कुलर एंटीरियर वॉल फॉर्म करते हैं एबिडोमिनल कैविटी के। और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके एबडोमिन के अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको कंप्रेस कर देते हैं। उसके साथ ही जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको फ्लेक्स करते हैं लुम्बार रीजन में। नेक्स्ट जो मसल है वो है आपका क्वाड्रेटस लुम्बोरम। ये जो मसल होता है वो आपको इलियक क्रेस्ट में अराइज होता है, फिर वो ऊपर की तरफ पैरेलली आपको वर्टिब्रल कॉलम के साथ होते हुए आपको 12th रिब में ये इंसर्ट हो जाता है। जब ये दोनों साइड के दोनों मसल्स जो होते हैं वो लोअर रिब में क्या करते हैं कि फिक्स कर देते हैं लोअर रिब को रेस्पिरेशन के टाइम, जिसकी वजह से जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एक्सटेंड हो पाता है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो मसल्स हैं ये हैं आपके क्वाड्रेटस लुम्बोरम। ये आपके यहाँ पे इलियक क्रेस्ट से अराइज होते हैं और जाते कहाँ हैं, आपके ऊपर के ये रिब्स जो हैं इनके लोअर पार्ट में। और जब ये दोनों पुल करते हैं तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसको ये फिक्स कर देते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। पास जो होता है वो आपका जो होता है लुम्बार वर्टिब्रे के बॉडी से और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से निकलता है। देखिए यहाँ पे है रेड से डिनोट कर रखा है सुवास, तो ये आपके लुम्बार वर्टिब्रे हैं, यहाँ से अराइज होता है और फिर ये आपके इलियम, देखिए ये जो है वो आपका इलियम है, इलियम क्रेस्ट है और ये इलियाकस है, तो यहाँ जाके ये आपको पास करता है और फिर इनिग्वल लिगामेंट में जाके इंसर्ट हो जाता है इस फ्यूमर के। फ्यूमर जो होता है बोन होता है आपका लेग पोर्शन का, ठीक, तो वहां पे जाके ये आपको इंसर्ट हो जाता है और फिर ये इस इलियाकस के साथ आपके मतलब ये जो स्वास मसल्स होते हैं उनके साथ मिलके हिप जॉइंट्स को ये फ्लेक्स करता है। ये था अबाउट आपका जो मसल्स आपके एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।